हम बात कर रहे हैं सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग वर्क। आज के दिन की बात करें तो 3% के ऊपर की गिरावट के साथ इस वक्त स्टॉक देख सकते हैं हम 21.35 रुपीज़ पर ट्रेड होता नज़र आ रहा है। स्मॉल कैप मिड कैप में आज के दिन में सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है, धुलाई देखने के लिए मिल रही है स्मॉल कैप और मिड कैप की। तो इसके चलते सालासर में भी हमको गिरावट देखने के लिए मिल रही है। 23 तक का दो दफ़ा जम दिखाया, दोनों दफ़ा रिजेक्शन उसी लेवल के आसपास से लिया, लेकिन इस दफ़ा जब रिजेक्शन लिया है तो देख सकते हैं अपने लो को यानी 20 के लेवल को नीचे की ओर अब तक ब्रेक डाउन नहीं किया है, इसी के ऊपर काम कर रहा है। इससे पहले जब 23 के लेवल से रिजेक्शन आया था तो 22 के सपोर्ट से एक जंप आया, गिरावट आई, तो इस लो को ब्रेक डाउन नहीं किया है। जब तक इसके ऊपर है तब तक अपसाइड के चांस इसमें बने हुए हैं। और चार्ट पैटर्न को भी हम देखें तो गिरावट के बाद जंपर हाई ब्रेकआउट, तो यहाँ से गिरावट आई है बाउंस बैक के साथ हाई ब्रेकआउट हो सकता है, लेकिन इस लो को ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए। 20 का लेवल ब्रेक डाउन कर गया तो फिर वैसी कंडीशन में गिरावट दिखा सकता है। तो यहाँ से अब जंप आता है तो 23 का तक का जंप दिखा सकता है जो कि इसका रेजिस्टेंस है। ब्रेकआउट इंपॉर्टेंट है और तेज़ी के लिए ब्रेकआउट के चांस बने हुए हैं इसमें, क्योंकि देख सकते हैं लगातार तेज़ी के बाद स्टॉक इस रेंज में ट्रेड हो रहा है, ऊपर ही ट्रेड हो रहा है। हालांकि आज के दिन में बहुत से स्टॉकों ने अपने सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया है, लेकिन सालासर ऊपर ही सस्टेन होता नज़र आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ब्रेकआउट के इसमें हाईली चांस बने हुए, तो 23 के लेवल पर नज़र, ब्रेकआउट कर गया तो नेक्स्ट टारगेट 25 और फिर स्टॉक में 30 से नेक्स्ट टारगेट और इसके ब्रेकआउट के बाद 40 तक का भी जंप स्टॉक दिखा सकता है, यहाँ तक के भी टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।